स्टूडेंट्स, ये डेमो वीडियो आपके जूम अकाउंट की एक्टिवेशन और आपने ऑनलाइन क्लासेस किस तरह लेनी है उस पर्पस के लिए बनाई जा रही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी पर अपना क्रोम जो आपका ब्राउज़र है उसको ओपन करें और जूम की वेबसाइट के ऊपर हमने जाना है। सबसे पहले जूम की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, zoom.us। यहाँ आप देखें सबसे ऊपर आ रहा है साइन इन। साइन अप के ऊपर आपने नहीं जाना, आपने साइन इन के अंदर जाना है। बेशक किसी का अकाउंट बना है किसी का अकाउंट नहीं बना, आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ दो तीन तरह की ऑप्शन आ रही है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ मांग रहा है, लेकिन हमने यहाँ से साइन इन नहीं करना। और अदर ऑप्शंस नीचे देख के SSO, गूगल और फेसबुक आ रही है, यहाँ पर हम साइन इन विद गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। जैसे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तो हम साथ ही वो क्रोम हमसे रिक्वायर करेगा जूम आपने किस आईडी के थ्रू जूम अकाउंट को एक्टिवेट करना है। अगर तो आपकी लिस्ट यहाँ शो हो रही हुई तो हम उस लिस्ट की वजह से उसको सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकाउंट को। अगर आपकी लिस्ट शो नहीं हो रही तो यू एन अदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ अपना ईमेल लिख लेंगे। लेट जिस तरह मेरा ईमेल है zoomdemo@gmail.com। आप अपनी मर्जी से जो भी आपका ईमेल है आप उसके थ्रू उसको लॉगिन करेंगे। और इसका पासवर्ड लिख के आप इसको यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। आपने काइंडली अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ वेरीफाई करना है क्योंकि इसके ऊपर एज लिमिट होती है। अगर आप अपनी एज को कम शो कर देंगे तो जूम अकाउंट आपको बनाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जो भी आपकी एज है उस एज के हवाले से आप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से करेंगे और साथ ही उसने आपको ऑप्शन दे दिया क्रिएट अकाउंट का, तो हम यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल के अंदर जाना है। प्रोफाइल के अंदर अपने नेम को एडिट करना है। सबसे पहले एडिट में जाएंगे, फर्स्ट नेम आपने कॉलेज का रोल नंबर, लेट में का तो मेरे कॉलेज का रोल नंबर 1036 था वो लिख देंगे। और सेकंड में हम मैं अपना पूरा नेम लिखूंगा जो कॉलेज के अंदर रजिस्टर्ड है और वही नेम मैंने डिस्प्ले नेम में भी शो कर दिया कि डिस्प्ले नेम भी मेरा इस तरह है, पहले रोल नंबर फिर कॉलेज का नेम जो कॉलेज के अंदर नेम आपने रजिस्टर्ड करा और सेव चेंजेस कर देंगे इसको। आपने जो जूम अकाउंट, अब आपका जूम अकाउंट बन भी चुका है एक्टिवेट भी हो चुका है, मतलब जूम अकाउंट के लिए आपने अपनी गूगल के ऊपर जाना है, वहाँ जूम की वेबसाइट के अंदर जाएंगे, वेबसाइट से आपने लॉगिन में जाना है, लॉगिन के अंदर लॉगिन विद गूगल में जाएंगे, वहाँ से अपने अकाउंट को लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद बच्चे प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल के अंदर अपने नेम को एडिट कर लेंगे। ये वो काम था जो आपने क्रोम के ऊपर करना था जो कि अब तक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूंगा। इसके बाद आपने अब बारी आ गई क्लासेस की। क्लासेस के लिए आपके सिस्टम लैपटॉप या मोबाइल जो भी है उसके ऊपर आपकी जूम की ऐप होना ज़रूरी है। आप वेबसाइट से डायरेक्ट क्लास नहीं ले सकते, तो उसके लिए फिर आप क्रोम ओपन करेंगे, क्रोम के ऊपर लिखेंगे जूम ऐप। तो ये आपको जूम ऐप का एक लिंक मिल जाएगा, जूम की वेबसाइट से जाके आपने ये जूम ऐप को डाउनलोड कर लेना, जूम क्लाइंट फॉर मीटिंग, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इस तरह का मेरा शॉर्टकट हो रहा है। इसको मैं ओपन करता हूँ ऐप को, आप देखें मैंने ऐप को जो ओपन किया इसके अंदर दो ऑप्शन आ रहा है, ज्वाइन अ मीटिंग और साइन इन। अब इस ऐप को सबसे पहले हम साइन इन करेंगे उस अकाउंट से जो हमने जीमेल का एक्टिवेट किया है जूम के साथ, रिसेंट जो अभी हम प्रीवियसली करके आए हैं। तो साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमने उधर भी ऑप्शन जो सिलेक्ट किया था साइन इन विद गूगल किया था, तो यहाँ हम साइन इन विद गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ वो हमारा अकाउंट शो हो रहा है zoomdemo@gmail.com। मे भी कुछ बच्चों का यहाँ अकाउंट शो ना हो तो वो यूज़ एन अदर अकाउंट में जा कर लिख सकते हैं, तो लेकिन मेरा क्योंकि अकाउंट शो हो रहा था तो मैंने उसको
वहाँ से ही सिलेक्ट कर लिया। अब वो पूछ रहा है ये जो आपने अकाउंट को एक्टिवेट किया आप इसको ओपन किसके थ्रू करना चाहेंगे, क्योंकि हमने जूम लॉन्चर या जूम ऐप इंस्टॉल कर ली है, तो मैं अदरवाइज पर क्लिक करके जूम लॉन्चर के ऊपर क्लिक कर दूंगा ताकि मेरी जूम ऐप ओपन हो जाए। अब ये जो जूम ऐप है हमारी लॉगिन हो चुकी है, इसमें आप देखेंगे जूम में प्रॉपर लॉगिन है मेरा, यहाँ नेम भी जो चेंज किया था उसी हवाले से शो हो रहा है, हर चीज़ ओपन है। अब वो कंडीशन आ गई है जहाँ पर हम अपनी क्लासेस को ले सकते हैं। जब तक आप इस कंडीशन पर नहीं आएंगे, मतलब अपनी साइन इन नहीं करेंगे ऐप को, तब तक आप कोई भी क्लास नहीं ले सकते। तो साइन इन करने के लिए ज़रूरी है कि आप जूम का अकाउंट बनाएं। जूम का अकाउंट मैंने आपको ऑलरेडी बनाना सिखा दिया है, उसके लिए आप जूम की वेबसाइट पर जाकर साइन इन के अंदर जाके अपने अकाउंट को बनाएंगे। तो यहाँ मीटिंग आईडी और पासवर्ड जो कि आपके ग्रुप में जल्द ही शेयर हो जाएगा, उसके थ्रू हमने इस अपनी जो भी हमारी ऐप है या जो भी हमारी क्लास है, लेट आपकी QMT की क्लास होनी है या इंग्लिश की क्लास होनी है, BC या कोई कैफ की क्लास है, तो उसकी मीटिंग आईडी पासवर्ड ग्रुप्स के अंदर होगी। हम ज्वाइन के अंदर जाएंगे, हम मीटिंग आईडी पासवर्ड देंगे। तो मीटिंग आईडी पासवर्ड मेरे पास एक सैम्पल के तौर पर मौजूद है, मैं वो लगा के आपको बताऊँगा। मीटिंग आईडी पासवर्ड लिखने के बाद ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ उसने पासवर्ड रिक्वायर किया, उसका मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। जैसे ही आप मीटिंग आईडी पासवर्ड लगाएंगे, क्रोम के ऊपर एक नया पेज, नई टेंशन, नई मुसीबत सामने आ गई। ये क्या चीज़ है? ये एक रजिस्ट्रेशन पेज है आपकी क्लास के लिए। इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं, आपने अपना नेम जो आपके कॉलेज के अंदर है आपने वो लिखना है। ईमेल एड्रेस, यहाँ पर ईमेल एड्रेस कर लिखते हुए या इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, ये ईमेल एड्रेस वही है जिस ईमेल एड्रेस से आपने अपनी जूम को लॉगिन किया है, मतलब ये वाला। इस ईमेल एड्रेस बार बार मैं बता रहा हूँ, ये वाला ईमेल एड्रेस और जो इस पर लिख के भेजना है ईमेल एड्रेस, उसमें एक नुक्ते का भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। जिससे जूम आप लॉगिन किया हुआ है उसी ईमेल एड्रेस से आप यहाँ लिखेंगे और सबमिट करेंगे। ईमेल एड्रेस क्या था मैंने, मैं एक दफ़ा फिर कंफर्म करने जा रहा हूँ अपने लिए भी, क्योंकि अगर मैंने गलत अपना ईमेल लिख दिया तो वो सारा कुछ गलत हो जाएगा। मैंने ईमेल कंफर्म करके वही लिखा, zoom afc@gmail.com। यहां पर आप अपनी ईमेल लिखेंगे जिससे आपने अपना जूम अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है। और इसके बाद हम अपना रोल नंबर लिखेंगे बच्चे इधर, और रोल नंबर लिखने के बाद इसको रजिस्टर कर लेंगे। एक चीज़ ज़हन में रखें, मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर ईमेल जो लिखी हुई है और वो ईमेल जो आपने जूम अकाउंट के अंदर लॉगिन की है, वो दोनों सेम होना लाजमी है। इसके अलावा आप क्लास स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आती रहेगी। जी बेटा, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइम फिर आप ज्वाइन में जाएंगे, अपनी मीटिंग आईडी पासवर्ड लिखेंगे। मैं वही मीटिंग आईडी पासवर्ड लिखता जो मैंने पहले जिसको रजिस्टर करवाया है। और इसका मैं पासवर्ड लिखूंगा। आप देखिए वो नेक्स्ट, अब वो दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं गया, उसने सिर्फ मीटिंग का वेट कह दिया कि होस्ट अब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं करेगी, आपकी मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। जितना प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन के हवाले से, मीटिंग स्टार्ट के हवाले से, जूम अकाउंट बनाने के हवाले से, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम आता है वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है, और व्हाट्सएप के अंदर भी अगर उसका प्रॉब्लम रिजोल्व ना हो तो कॉलेज समझने के लिए आ सकता है कि ये अकाउंट या क्लास हमने किस तरह स्टार्ट करनी है। अल्लाह हाफिज़।